पत्रकार साथियों का शुक्रिया करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पत्रकार साथी आएंगे और महिला कांग्रेस के आज के कार्यक्रम के बारे में पूछेंगे। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 जनवरी को बनी हूँ। पूरा देश दौरा किया हम लोगों ने, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब चुनाव जो संपन्न हुए देश के उनके, लेकिन कश्मीर के दौरे का एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण है हम यहाँ पर अपने महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने आए हैं। आपने कश्मीर के हमारे जो कांग्रेस मुख्यालय में देखा, पहली ही सभा में कितनी महिलाएं आई और कब से आई हुई हैं, सबको हमने महिला कांग्रेस की सदस्य बनकर उन्हें पद और जिम्मेदारी देने की बात की, जिसमें सब तैयार दिख रही हैं। स्वाभाविक है, मेरा 2 दिन का दौरा है, आज और कल मैं जम्मू और कश्मीर के बहुत से जिलों में जाऊंगी। मकसद है सितंबर में यहाँ पर कोर्ट का आदेश है, विधानसभा चुनाव कराने हैं, हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें भी हमें ये बात हुई कि 5 राज्यों के चुनाव आने हैं, उसमें कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरेगी। सबसे पहला चुनाव यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में होना है विधानसभा का 30 सितंबर से पहले। महिला कांग्रेस ने उसकी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दी है। हमारी महिला कांग्रेस की मांग भी रहेगी कि महिला आरक्षण कानून पारित हो चुका है, उसे विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए ताकि महिलाएं महिला आरक्षित सीटों से ये विधानसभा चुनाव लड़े और सदन में पहुंचकर जम्मू कश्मीर की आधी आबादी, देखा बहने आई है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी है, पढ़ी लिखी बेटियों को सरकारी पक्की नौकरी चाहिए। हमारा वायदा है जम्मू कश्मीर के हर पढ़ी लिखी बेटी को हम सरकारी पक्की नौकरी देने का प्रयास रहेगा। जो बहनें हमारी उम्र हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी में काम चाहती है, हम हर बहन को घर बैठे बैठे काम और कमाई देने के ऊपर अपने इस पूरे दौरे पर चर्चा करेंगे। हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें आज भी घरों में बहुत से काम करती हैं और हाथ से बहुत सी चीजें बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई से वो लड़ नहीं पा रही हैं। अब हम उन्हें आर्थिक ताकत देंगे, संगठन मजबूत करेंगे और संगठन के साथ साथ हम आधी आबादी की हिस्सेदारी राजनीतिक तौर पर तय करेंगे और उनके मुद्दों को हम यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उठाने जा रहे हैं। इलेक्शन भी इंडिया अलायंस फैसला करेगी जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर इस पे चर्चा हुई है। फैसला क्या होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब बैठकर तय करेंगे कि अलायंस।